तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंटेंट आपका जो ऐसा होता है सर कि किसी से मैच कर ही नहीं सकते वो। और जो आपकी क्लासेस होती हैं, आप तो इतने क्लासेस लेते हो कि कोई लेता ही नहीं है। आप तो जैसे बहुत बड़ा उसमें हाथ है कि हाँ, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं। और आपकी डेडिकेशन, और आपके सबसे ज्यादा तो जो हंसी मजाक होता है क्लास में, वो बहुत अच्छा होता है। पढ़ने के साथ भी टफ भी पढ़ा दो तो भी हाँ, जाता है सब कुछ माइंड में। और उसके बाद हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज मैं नहीं, आज आपके साथ है प्रियंका, जो है एमपी से इनका सिलेक्शन हुआ है इंडियन बैंक में एज अ क्लर्क। तो आज मैं तो डेली आपको मोटिवेट करता हूँ, आज प्रियंका के थ्रू कुछ जानेंगे कैसा रहा उनका पूरी बैंकिंग का ये जर्नी और क्या क्या अप डाउन आए। और प्रियंका के थ्रू आज आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो प्रियंका गुड इवनिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका एज अ क्लर्क बैंक में ज्वाइनिंग हो गया है। तो कैसा लग रहा है आपको ये मुझे बताइए आप। गुड इवनिंग सर। सर अब तो इतना मतलब वो फील हो रहा है कि जब एग्जाम का देखा कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, 5-10 मिनट तक तो कुछ था ही नहीं कि हाँ क्या हो रहा है। फिर 2-4 बार देखा रिजल्ट को, फिर हाँ रिकनाइज किया। फिर मतलब 15-20 मिनट तक तो रोना किसी का कम ही नहीं हो रहा था। और फिर मैंने अपनी जब मम्मी को बताया तो वो रोने लगी। फिर उन्हें अपनी मेरी नानी को कॉल किया तो उनको बताते बताते इतना रोने लगी, तो मेरा खुद रोना बहुत देर तक कंप्लीट नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर में फिर हाँ हुआ नॉर्मल कि हाँ सिलेक्शन हुआ है, थोड़ी ना नहीं हुआ जो तुम रो रही हो। तो फिर सर वो हुआ, फिर सबको फोन मतलब बताया तो बहुत सब खुश थे। और फिर इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है सर रीजनिंग में। तो ऐसा है कि अगर आप नहीं होते ना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कंटेंट आपका जो ऐसा होता है सर कि किसी से मैच कर ही नहीं सकते वो। और जो आपकी क्लासेस होती हैं, आप तो इतने क्लासेस लेते हो कि कोई लेता ही नहीं है। आप तो जैसे वो पढ़ा दिया आपने मेन जो रहता है, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं सर वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। और आप लेते हैं तो रेगुलर लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा मैटर है कि हाँ लेते हर कोई है कि हाँ। वॉइस आपकी म्यूट हो गई प्रियंका, वॉइस आपकी म्यूट हो गई। हाँ सर कॉल आ रहा था, मैंने वो काट दिया है। हाँ तो सर वो तो ऑल ओवर आपका बहुत बड़ा उसमें हाथ है कि हाँ, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं। और आपकी डेडिकेशन, और आपके सबसे ज्यादा तो जो हंसी मजाक होता है क्लास में, वो बहुत अच्छा होता है। पढ़ने के साथ भी टफ भी पढ़ा दो तो भी हाँ, जाता है सब कुछ माइंड में। और उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि एग्जाम प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकला। बट अभी IBPS क्लर्क का मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट में ही मैंने क्रैक कर लिया। उसका रीजन ये है कि मैं PO के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो आपकी जो पजल्स की क्लासेस होती थी मैं उनको फॉलो करती थी। और आपने एक और बैच लिया था जो जनरल थे, उसमें सारा था पेड क्लासेस में, तो मैंने उसको फॉलो किया। और सर जो पजल की थी ना मेंस की, उससे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि PO लेवल की करते हैं तो फिर क्लर्क का तो कुछ लगता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाता है। तो सर वो बहुत हेल्पफुल हुआ था एग्जाम में। कुल और मिला सर के ये तो ड्रीम तो मेरा पूरा हो गया एक तो मतलब कंसिस्टेंट आपने कि किसी एक बैच को फॉलो किया जो बाकी बच्चों को मैसेज में देना चाह रहे हो। एक तो यस आपने सर बैच को फॉलो किया, उसमें आपने पजल्स और मिक्स टॉपिक पर कमांड करी, उसके बाद आपने यूट्यूब पर जो मेंस की प्रैक्टिस करवाई जाती थी 45 आवर वाले की, शायद आप बात कर रहे हो, उसको आपने फॉलो यस किया सर वहां से। हाँ सर। और जो आप क्लासेस लेते थे प्री वाली, वो बहुत मैटर करती, क्योंकि जब तक प्री नहीं निकलेगा मीन्स कैसे करेंगे, सही बात है। तो कितना वो बहुत हेल्पफुल है प्री वाली। समय हो जो गया था आप प्रियंका फोर्टी आपको फाइव आवर्स की पढ़ते SBI हुए, क्लर्क की कितना समय हो गया आपको पढ़ते सर हुए? 1.5 साल से जा 1.5 साल, 1.5 साल सर। अराउंड 1.5 साल। तो आपका इसके अलावा भी कोई और प्री यस भी निकला सर था? जैसे ये तो आपका सिलेक्शन हो गया, इसके अलावा भी कोई आपका प्री निकला था या मेंस यस सर निकला था? IBPS PO मेंस दिया था मैंने, PO मेंस दिया था मैंने इसी बार। अच्छा, इस बार IBPS बूस्ट में नहीं हो और पाया। यस सर ठीक है, कितने नंबर कुछ से मेंस क्रॉस नहीं आए, हो पाया मेरा। कितने नंबर से और क्रॉस सर आए? उसमें ज्यादा डिफरेंस था, क्योंकि 10 नंबर से रह गए थे, क्योंकि सर DA सेशन नहीं हो पाया था मेरा।
चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे बताओ, आप एयर रीजनिंग के अलावा, हाँ सर, रीजनिंग के अलावा और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में आपको अच्छा लगता था, या आपने क्या किया किसी और सब्जेक्ट के लिए? सर मैंने इंग्लिश की तो ऐसी जर्नी है कि बहुत ड्रास्टिक है कि पढ़ते थे कुछ आता ही नहीं था, मार्क्स ही नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इंग्लिश पढ़ना टीचर से ठीक है, लेकिन खुद का सबसे पहले उसमें होता है कि आप रीडिंग पे फोकस करो, रीडिंग पे फोकस करोगे प्लस आप वोकैब पे फोकस करोगे, मार्क्स उसी से इंक्रीज होंगे। कितनी भी क्लासेस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक एक बार कर लो, बट आपको रीडिंग वो होता है दाहिंदू से, और उसके जो वोकैब होते हैं उनको फॉलो करो, आपके डेफिनेटली इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज होंगे। जो मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज था बहुत रिसेंटली हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ, मार्क्स ही नहीं आते थे इंग्लिश में, तो फिर ये फॉलो किया मैंने, तो उससे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़ी, उससे मेंस के जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से होने लगे। और आप जो पढ़ाते थे कि मतलब आपकी जो पढ़ाने की स्किल्स थी वो रीजनिंग के क्वेश्चन इंग्लिश को सॉल्व करने में अच्छे थे, जो पैराफिलर्स आते थे सर वो हेल्पफुल थे। और मैथ्स के लिए, मैथ्स का तो ऐसा था सर मेरा मन रहता है करने का, अच्छा, रीजनिंग और मैथ्स ही रीजन था कि मैं, हाँ, बैंक की प्रिपरेशन वही थी, क्या है कि मेरा थोड़ा सा वो पढ़ने में मन नहीं लगता है, थ्योरी वाला, थ्योरी पार्ट थोड़ा सा मेरा, अच्छा, यस सर, तो वो मन नहीं लगता है, तो इसलिए फिर मैंने बैंक लिया कि मैथ्स और रीजनिंग अपना है ही, मन लगता है करते जाओ बस, और आपके कारण तो और रीजनिंग में इतना मन लगा कि क्या बोलू सर, इतना फनी क्लासेस लेते हैं ना सर आप कि कठिन से कठिन पढ़ लो लेकिन कुछ नहीं लगता है। तो अब आप इसका मतलब, और टेस्ट आप में भी मुझे अच्छा लगता था। आप मुझे पजल्स का बताओ, पजल में आपको इम्प्रूवमेंट कैसे लगा, या जो आपके साथ के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो कैसे अपनी पजल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, या पहले स्टार्टिंग में आपको पजल वगैरह करने में कितना समय लगता था, और आजकल क्या है कि मेंस की पजल करने में आपको अप्रोक्स कितना समय लगता सर है? पहले मुझे सर वो एक तो फर्स्टली पजल पे डिपेंड करता है टाइमिंग, अगर जैसे वो ही नॉर्मल वाली होती है कि हाँ बॉक्स दे दिया, दो चार एक्स्ट्रा वाले दे दिए, वो जैसे कि वेरिएबल दे दिए, दो वेरिएबल दे दिए अगर, हाँ सर जैसे वो ही रहता है मोस्टली, आप तो वो लेवल के कराते हो बट पेपर में आता वही है कि सर्कल दे दिया, दो वेरिएबल दे दिए, मोस्टली इसी टाइप के आते, तो उनको अपन 7 से 8 मिनट में कर सकते हैं सर, अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है तो उसको 7 से 8 मिनट में आराम से कर सकते हैं, प्री लेवल की है तो और जल्दी भी हो सकती है वो सर। फिर अपन की सबसे पहले तो वही होता कि रीडिंग की कितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप एक बार पढ़ोगे वही आप बताते थे, अब जब 4 बार क्वेश्चन को ही पढ़ लोगे तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो रीडिंग को आप इम्प्रूव करो, तो एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार पढ़ना ना पड़े, जो आप कर देते थे ना ऐसे पूरा बिल्कुल रेड रेड कर देते थे, अब देखो क्या देख रहे हो, सिर्फ जो पढ़ा है पहले डेटा उसी से करो और फिर सॉल्व करो सर। इससे ना प्री की लेवल की बहुत ज्यादा स्पीड मेंटेन हुई, तो प्री की तो जो पजल थी वो आपसे ही मेरी डेवलप हुई, क्योंकि उसके पहले मैं जब करती थी मेरी नहीं होती थी, सब लोग कर लेते थे, मुझे इतना टेंशन होता था कि सब ये लोग कैसे कर लेते हैं, फिर आपको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, फिर मैंने आपका जो पजल का फाउंडेशन बैच होता है सर प्री के लिए मैंने वो किया, तो उससे सबसे ज्यादा चीजें सीखी, अहेड बिफोर, और ये आप तो पता नहीं क्या क्या मतलब बहुत लेवल का ले जाते हो, लोग तो ठीक है उनका तो चलता है लेकिन आपका ऐसा रहता है कि आप एक कदम आगे चलते हैं, तो जैसे आपने अभी जब मेरा पेपर हुआ था सर पीओ का, SBI पीओ का, तो आपने कैटेगरी वाली स्टार्ट करी थी सर, कोई ने नहीं पढ़ाई थी, तो कैटेगरी वाली आई भी थी पीओ में, SBI पीओ में भी आई थी, IBPS पीओ में भी आई थी, क्लर्क का मुझे याद नहीं है बट इन दोनों में आई थी, तो वो तो कर ही ले गए थे, कोई टेंशन ही नहीं था, तो वो बहुत हेल्पफुल था। और सर मेरे तो मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, मतलब 31 गलत हो गया था मेरा तो कट गया था मार्क्स प्री में सर, प्री में नहीं तो आउट ऑफ आते रीजनिंग में, वो मैंने चांस खो दिया, नहीं तो आपको मैसेज करने का था कि इस टाइम पे कर पाती बट आई लॉस्ट इट, वो बहुत ट्राई किया था। SBI PO में बोल रहे हो? नहीं सर SBI क्लर्क में, SBI क्लर्क में मेरा 34 नंबर का 0.25 कट गया था, हाँ सर 34 के अप्रॉक्स आपके नंबर है, चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कभी मौका मिलेगा, हाँ जी सर, क्लर्क हुआ है आपकी बार PO में पूरे नंबर लेकर आइएगा, फिर सेंड कीजिएगा मैसेज आप। यस सर, यस सर।
कोई ऐसा इंसिडेंट जो हाँ आप सर, मैं सोचूंगी। कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहते हो आप, कोई ऐसा? सर ये है कि मैंने एक चीज, इंसिडेंट तो नहीं है बट एक लर्निंग है। लर्निंग ऐसी है कि आपके लाइफ में रुकावटें बहुत आती हैं, आप सोचो कि उसके कारण आप रुक जाओ, वो बिल्कुल मत करो। सबसे पहले कंसिस्टेंट रहो और फोकस। अगर आपने इसके साथ 6 months भी प्रिपरेशन कर ली, यू डेफिनेटली क्रैक द वन एग्जाम एंड ऑल एग्जाम। क्योंकि अभी मैंने भी अपने 6 months से ही अच्छे से स्टडी कर रहे थे। इसके पहले थोड़े से इश्यूज हो जाते थे जिसके कारण कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती स्टडी में, बट लास्ट 6 months से मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, जिसके कारण सर मेरे मतलब बहुत से एग्जाम निकले। अभी मेरा मतलब एनटीपीसी का मेंस भी है और आरआरबी का भी मेंस दिया था मैंने, अच्छा, और ये अरबी। इसमें पीओ भी मेरा थोड़े से मार्क्स से रह गया था। तो वो है कि हाँ फर्स्ट टाइम मैंने दिया था। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है सर, और फोकस बस, और चलिए, कोई बहुत अच्छा टेंशन की लगा बात ही नहीं है, प्रियंका, करो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, सर। मुझे भी बहुत अच्छा। ये थी प्रियंका, जिनके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि कंसिस्टेंसी, अब इन्होंने कहा है आपको लास्ट में आते आते, ये बात याद रखिएगा कि ये नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, फिर छोड़ दिया फिर पढ़ने लगे, तो गैप नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट होके पढ़िए, लगातार 6-7 महीने में भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो जब सिलेक्शन होने के बाद कोई बच्चा आपको बता रहा है तो उस बात को जरूर फॉलो कीजिए, सारे पॉजिटिव पॉइंट नोट कर लीजिएगा और अपने सामने रखिएगा। शायद अगली बार जब वीडियो आ रही हो तो आप बोलो कि सर कि मेरे को एक वीडियो ऐसे देखने को मिली थी जो आपने की थी सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ, जिससे कि मैंने ये वाला पॉइंट सीखा और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं, और सर स्पेशली प्रियंका आपको। सर वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड हाँ बिल्कुल प्रियंका, सर, बिल्कुल मुझे आपसे मिलना है कभी भी फ्यूचर में पॉसिबल हो तो। बिल्कुल, आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग, क्योंकि सारे बच्चे ही ये बोल रहे हैं मिलने के लिए, कि हम लोग एक क्या करें, मीटअप रखें जिसमें आप सभी को इनवाइट किया जाए स्पेशली, ठीक है। एटलीस्ट आपको 10-15 दिन पहले बता दिया जाएगा, आप चाहें तो अपनी फैमिली को लेकर, आप खुद अकेले, जैसा भी आपका लगता डेफिनेटली है सर। आ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सर अब तो ऐसा लग रहा है सारे ड्रीम लाइनअप कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों से सारे, बात करना एक ड्रीम है सर। हम लोग के इस लाइफ चलिए के तो हीरो ही हैं आप, क्योंकि ये आज हम लोग हैं तो आपके कारण है सर। आपका डेडिकेशन, आप इतना करते हैं कि आप खाना भी नहीं खाते और क्लासेस लेते हैं। हम लोग तो बहुत बहुत खा भी शुक्रिया। लेते देखो हैं, ये, कौन देखो देख रहा ये है खाते एक पार्ट खाते। है, ये एक पार्ट है लाइफ का। वो ये सबकी लाइफ में अपने अपने काम होते हैं, प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है। जब आप लोग एग्जाम होते हैं तो हम लोगों को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। जैसे आज का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आज मेरा फास्ट है लेकिन फिर भी मेरे को 1 बजे से लेकर अभी 5:01 हो गया है, लेकिन मैं लगातार आप सभी स्टूडेंट के साथ वन बाय वन लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, अभी बहुत सारे बच्चे और लाइनअप है ना। तो मैं अभी और लोगों से बात करता हूँ, दिन भर से बहुत हाथ अच्छा में ली आपसे हूँ मैं बात तो फोन। करके। चलिए ऑल द बेस्ट। ओके सर।